हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हैंडफुल लास्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे तत्काल टिकट काला बाजारी की। तत्काल टिकट काला बाजारी में ज़्यादातर प्राइवेट एजेंटों का नाम आता है, ज़्यादातर दुकानदारों का नाम आता है, लेकिन दोस्तों इधर काफ़ी दिन से चल रहा है, रेलवे के बहुत से कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। कहाँ पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कन्नौज जिले की। कन्नौज जिले के रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकटों की कालाबाजारी में वाणिज्य अधीक्षक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक टिकट एजेंट भी शामिल है। तीन टिकटें बरामद की गई जो कि मुंबई के लिए बनी थी। आरपीएफ के इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गुरसायगंज रेलवे स्टेशन के वाणिज्य अधीक्षक उदयवीर चौरसिया, बुकिंग क्लर्क विनोद कुमार मौर्य, रवीश कुमार एवं टिकट एजेंट मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राजू उर्फ मोहम्मद अजहर निवासी बहराइच की तलाश अभी की जा रही है। उन्होंने बताया कि लखनऊ, जौनपुर, सिद्धार्थनगर से मुंबई के लिए बनाए गए तीन टिकट भी बरामद किए गए। उनका कहना है कि टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ रेलवे आरक्षण केंद्र गुरसायगंज को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिस पर उप निरीक्षक अंकुश, रितु व अन्य स्टाफ के साथ छापामारी किया गया। कार्रवाई के दौरान एक बाहरी एजेंट को तीन तत्काल टिकटों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मनोज है, वो गुरसायगंज का निवासी है। पूछताछ में मनोज ने जानकारी दी कि टिकटों की कालाबाजारी में उसकी मदद गुरसायगंज के वाणिज्य अधीक्षक के अलावा दो बुकिंग क्लर्क करते थे। इस पर वाणिज्य अधीक्षक समेत दो रेल कर्मियों से पूछताछ की गई तो पता चला राजू, जो कि बहराइच का निवासी है, टिकटों की कालाबाजारी में संलिप्त था। राजू अकाउंट में पैसे भेजता था और व्हाट्सएप के माध्यम से यात्रियों की डिटेल दी जाती थी, यानी कि जो कि बुकिंग क्लर्क एजेंट थे वो डायरेक्टली टिकट को ब्लैक नहीं करते थे, वो एक एजेंट सेट किए हुए थे, एजेंट जो कि तत्काल टिकट को ब्लैक करता था महंगे रेट पर, और ज़्यादातर मुनाफा बुकिंग क्लर्क एजेंट और वाणिज्य अधिकारी को होता था। अब यहाँ पर ये सारे अधिकारी और जो कि बुकिंग क्लर्क हैं वो पकड़ लिए गए हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।